टॉपिक क्या क्या बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। इनसे पहले अपना लोग बहुपद पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बहुपद गुणनखंड जानेंगे, तब ना अपना लोग का शून्य निकालने में आसान होगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने में बहुत आसान होगा, ठीक है। तो चलिए अपना लोग इनका गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। जो इनका बेसिक है उनको पहले देख लीजिए यहाँ पे एक बार उनका बेसिक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जैसे कि 4 को क्या अपना लोग लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन चीज़ को करने के लिए इन बेसिक का आप लोग को ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो क्या 4 का क्या लिखेंगे, 4 का अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का होल स्क्वायर लिखने का मतलब क्या, 2 को स्क्वायर कितना है, 2, 2 को कितना अगर गुना करना है, 2 ही बार गुना करना है, इनको ये लिखेंगे 2 गुना 2। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि 4 हो गया, ठीक है। तो 4 को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 4x² को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 4x² को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2x का होल स्क्वायर। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, 4x² को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² जैसे कि इनको तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x², मतलब कि सेम ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यदि आप लोग समझते हैं तो कोई दिक्कत की होने की बात नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं एक और बेसिक चीज़ बता देता हूँ, तो वो देख लीजिए। देखिए a+b का होल स्क्वायर को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, a+b, ठीक है। अपना लोग a+b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a+b। इनमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने a+b का होल स्क्वायर को पूरा सिद्ध कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार देखिए a-b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a-b लिख सकते हैं। यदि इनको लेकर के आप जाइएगा सिद्ध कीजिएगा, गुणनखंड करके सिद्ध कीजिएगा, तो आपको a+b का होल स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इनको यहाँ प्रूफ नहीं करने के लिए बता रही है, आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका आंसर होगा इन सवाल का, ठीक है। तो चलिए इन सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4x² को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं 4x² को अपना लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 4x² को क्या लिखेंगे अपना लोग, 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, 4x² हो जाता है, ठीक है। यह क्यों करते हैं आप लोग को पता चल जाएगा कि यह क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12x है, तो हमको 12x से कोई लेना देना नहीं है, हमको 12 का गुणनखंड करना है। जैसे कि आप लोग 12 का गुणनखंड कर दो, फैक्टर कर दो, 3 से लगाओ तो कितना लगेगा, ये आप लोग कह सकते हैं 3 चौके 12, ऐसे नहीं करना है, पहले 2 से लगाना, ठीक है। जैसे कि यह 12 है, 12 में क्या करना है, 2 से लगाना, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दो, क्या जो हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनसे पहले इनमें क्या 4 से लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी हमको 4 का गुणनखंड करना पड़ता है, ठीक है। क्यों नहीं यहाँ पे 4 से लगा गए, आपको लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड कितना निकला, 2 गुना 2 गुना 3, इनका मतलब 2 दूनी 4 दिया 12, ठीक है। तो इनको ऐसे लिख दो यहाँ पे, 12 का गुणनखंड क्या निकला, देखिए 2 गुने 2 गुने 3 जो इंटू एक्स है, उनको एक्स वैसे लिख दो, ठीक है। क्योंकि 12 गुने x करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने x करोगे भी कितना हो जाएगा आपका, 12x ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए +3 का अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को अपना लोग 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 9 को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इनको यहाँ पे ऐसे देखिए, मैं ये बताना चाहता था आप लोग को, 12 मैं यहाँ पे 4 से लगाता तो ये कितना हो जाता, 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 से क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 नहीं मिलता, ठीक है। 4 का हमको फिर से गुणनखंड करना पड़ता, क्यों, क्योंकि देखिए आप किस तरह का इंटरफेस में आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस तरह का इंटरफेस में आ रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं a² + b² + 2ab, ठीक है। तो किस तरह का इंटरफेस आ गया, तो आप लोग कह सकते हैं a² + b² + 2ab, ठीक है। आप लोग आसानी से आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंने इसको इसलिए नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर के रूप में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, इन सब सभी को क्या लिख सकते हैं अपना लोग, देखिए a+b का होल स्क्वायर नहीं जानते तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए a² क्या होता है आपका, देखिए a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। कि क्या होता है, देखिए आपका a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। देखिए एक जगह कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी के जगह कितना है, 3 का होल स्क्वायर, प्लस में है, आपको किसकी का कोई भी तरीका से लिख सकते हो। देखिए मैं इनको a+b का होल स्क्वायर का आप लोग को जिन तरीका पे ये बेस्ट है उन तरीका पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए a² +
2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं इसी तरीका ना, प्लस में किसी को लिखिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं एक जोड़ दो कितना होता है, तीन ही होता है, दो जोड़ एक लिखिएगा तो वो भी क्या होता है, तीन ही होता है, ठीक है। तो इनमें तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए आपका ये देखिए तो इस फार्मूला पे बेस्ट नज़र लगता होगा आप लोगों को। देखिए तो ए स्क्वायर का मतलब टू ए स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस टू ए की जगह कितना है दो, बी की जगह कितना है तीन है, ठीक है। एक्स गुना कीजिएगा तो थ्री एक्स ही हो जाएगा, बी हो गए पूरे, ठीक है। तो फिर देखिए ए की जगह कितना है ए स्क्वायर प्लस टू, टू की जगह पर फार्मूला से टू ए बी, ए बी टू टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया था, अब इन पूरे टर्म को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि इनको क्या लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मतलब क्या है, टू एक्स प्लस थ्री का हम इनको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किनका होल स्क्वायर है तो आप लोग कह सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है, टू एक्स प्लस थ्री का या होल स्क्वायर है, ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री का या होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अपना लोग यहाँ पे फोर को ऐसे नहीं किए, ठीक है, फोर को नहीं रखे, इसीलिए टू का फैक्टराइज किए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर से हमेशा लगाने की कोशिश कीजिएगा, जब फैक्टराइज कीजिएगा तो मैक्सिमम नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए अपना लोग यहाँ देखिए किन चीज़ का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अपना लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, अब इनका गुणनखंड निकालना है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इनका भी देखिए गुना में है, आधार से मैं तो पावर जुड़ जाएगा, तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें आप लोग कोई तकलीफ की बात नहीं है, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए इनका गुणनखंड डूब लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गया और राइट आंसर भी हो गया, ठीक है। तो चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने इनका पूरा बेसिक चीज़ बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, इनके बाद अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।